हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल 143 टॉप जेरी। तो आज हम लोग आए हैं बाहर। हमारी एक्चुअली फर्स्ट ड्राइविंग क्लास है, तो हम लोग ने किसी को बोला है, वो आएंगे अभी थोड़ी देर में। वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ के, टिमेंस के। तो हम लोग आज अपना पहली क्लास लेंगे। ये मैडम जी तो आज पहली बार चलाएंगी गाड़ी। मैंने कभी आज तक गाड़ी नहीं चलाई है, सो आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सॉरी, वो एक्चुअली क्या है कि मेरा भी हाथ दुख रहा है, मैंने टच कर दिया। हम लोग ने वैक्सीन ली है सेकंड डोज, तो थोड़ा पेन है आज। ओके सो गाइस, हमारी ड्राइविंग क्लासेस की ट्रेनिंग ऑल डन हो गई है। सो देयर इज अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़ टू। सो गुड न्यूज़ पहले सुनेंगे या बैड न्यूज़? पहले गुड हो। चलो पहले गुड बता दो कि मेरा जो टेस्ट था वो क्लियर हो गया। ही गॉट हिज जी लाइसेंस। सो अब हम गाड़ी लेंगे। Yes, गाड़ी लेंगे तो सही। एंड जसनीत का है वो टेस्ट रह गया, तो इट्स अ बैड न्यूज़। मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी थी उसके करके। यह एक छोटी मिस्टेक है, लेकिन छोटी नहीं बोल सकते अभी, वो हाईवे की मिस्टेक थी, तो उस हिसाब से बिकॉज मैं नर्वस हो गई थी और वो पहले एक मिनट में मैंने वो गलती कर दी आगे। उसके बाद उसने मुझे तब नहीं बताया, आगे जाके लाइक पूरे राउंड के बाद उसने मुझे बोला दैट यू आर गुड बट यू डिड अ मिस्टेक इन द बिगनिंग। सो अनफॉर्चुनेटली मेरा G2 नहीं क्लियर हुआ है, बट आई विल नॉट लूज होप, मैं दोबारा दूंगी। सो दोबारा देंगे, हम लोग ट्राई कर रहे हैं एंड वी विल गेट सून अ डेट नाउ। लाइक अभी तो बहुत बिजी है बिकॉज अभी आफ्टर कोविड अभी खुला है, तो वी आर चेकिंग आउट एवरी डे। लाइक द प्रॉब्लम इज कि अभी डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो जब डेट होगी तो जैज का वापस से बुक कर देंगे। और लेकिन एक बात है कि गाड़ी तो ले ही सकते हैं अभी, मेरा तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग आपको ये बता देते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेस्ट क्लासेस नहीं लिए थे एंड लिए थे थोड़े, मैंने बिल्कुल थोड़े लिए थे बिकॉज इंडिया में थोड़ी बहुत चलाई हुई है। मुंबई में ईजी है ड्राइविंग, बस सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन। बट डर लगता है स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं, लाइक जिन्होंने कभी इंडिया में ड्राइव नहीं किया, जैसे जैज ने बिल्कुल भी ड्राइव नहीं की थी, तो उस हिसाब से स्कूटी और कार में फर्क है, तो उस हिसाब से। एंड इतना भी टफ नहीं है, आप बोलो कि आप नहीं निकाल सकते ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि थोड़े बहुत कभी किसी और की वजह से मिस्टेक और एक टाइमिंग भी बोल सकते हैं। अब जैज की टाइमिंग भी थोड़ी खराब थी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रह गया उसका, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो दे ही देगी, वो पूरा कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, G1, G2 और G। G1 इज फर्स्ट बेस टेस्ट, वो रिटन टेस्ट है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स है, वो हम लोग को पास करना है। दैट विल बी लाइक ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड G2 इज लाइक अ लाइसेंस, यू कैन ड्राइव, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और G जो है वो है कि फुल्ली लाइसेंस। सो वो मेरा था G, पूरा पास कर दिया। अभी मैं कोई भी हाईवे में, कोई भी कोने में, कहीं पे भी जा सकता हूँ। ही कैन ड्राइव एनीवेयर। ओके, सो अभी तक मैं हाईवे में गया नहीं हूँ, यहाँ के हाईवे में गया हूँ, बट जो मेन हाईवे वो टोरंटो साइड में 406 हाईवे, वहाँ पे नहीं गया। 401 है, हाँ 401 हाईवे, वहाँ पे नहीं गया। और वहाँ पे जाके भी मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी है, बट वो अभी गाड़ी लेंगे उस हिसाब से जाएंगे। तो ओके, आपने ये चीज़ तो बताई नहीं कि लाइक जैसे कि मोस्टली अगर हम G1 देते हैं उसके बाद हमको आई थिंक 8 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद ही हम लोग G2 दे सकते हैं। आपने अपना G कैसे दे दिया?
सो मैंने जी ऐसे दिया है कि जो मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस था, इंडिया का जो लाइसेंस था वो यहाँ पे भी था मेरे पास, लाया था मैं इंडिया के एक्सपीरियंस में, मैंने वहाँ से ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट मंगाया था, वो RTO से आपको मिल जाएगा, और जो भी कोई आ रहा है वो लेके आना, वो लाइसेंस का जो एक्सपीरियंस और लाइसेंस ओरिजिनल लेके मैं वहाँ पे ऑफिस में गया था, उन लोगों को दिखाया, उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया एंड देन आई वाज एलिजिबल फॉर जी। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं वही स्टेप से चलता G1, G2 and G एंड सिर्फ स्टेप, और वो भी वेट करके, हाँ, वेट करके, उसमें वेटिंग पीरियड है। G2 के बाद हम लोग ऐसे पटक से जी नहीं दे सकते, और कह सकते जल्दी जी नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एक 8 month का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद आपके पास। तो गाइस, जिनके पास भी इंडिया का एक्सपीरियंस है, मेक श्योर कि आप लोग अपना वो एक्सपीरियंस बनवा के लाएं, बिकॉज़ यहाँ पे वो लोग ओरिजिनल मांगते हैं। हमें भी इंडिया से दोबारा मंगवाना पड़ा था, बाय कुरियर मंगाया था। हाँ, सो एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर कि उस पे फोटोग्राफ आपकी जरूर हो। हाँ, और वो मैं एक्चुअली कुछ 6 month की वैलिडिटी होती है, वो आप देख लेना और वो उसी हिसाब से ले आना, और ताकि आप आके इधर फटाफट यूज। हाँ, और वो सिर्फ 6 month के लिए वैलिड होता है। तो आप ऐसा है कि आप टेस्ट कभी भी बुक करा सकते हैं, सिर्फ इतना काम करना कि जैसे आप यहाँ पहुँच गए तो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करा दो। हाँ। लेटर वो लोग ले लेंगे आपसे ओरिजिनल एंड लाइसेंस आपको, उसके बाद आप जब मन हो तब अपना टेस्ट, तो आप कभी भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं, अगर जिनके पास एक्सपीरियंस है वो, और जिनके पास नहीं है तो वो ऐसे ही जा सकते हैं G2 स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी, एंड जल्दी कोई गुड न्यूज के साथ आएंगे। गुड न्यूज नहीं, ये गुड न्यूज और है दूसरी, हम लोग जल्दी गुड न्यूज से आएंगे, न्यू कार के साथ आपको दिखेंगे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।